बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, अर्ज़ बल्तिस्तान में सलाहियतों और काबिलियत और खुदादाद सलाहियतों की कमी नहीं है। ये ज़िला गांछे के नवाही गांव हल्दी के दो नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं, आइए इनसे मिलते हैं। ये अपना मुस्तकबिल में घर बनाने की प्रैक्टिस आज से कर रहे हैं, आइए इनसे मिलते हैं। हाँ बेटा, इमतहसिन सनाउल्ला है ना जो ये ना से तजर्बा भी नहीं पीने जो है जो माशाल्लाह आफरीन आफरीन। अच्छा यहाँ स्कूल ही सोचो फिर ना जो बच्चा कहता है स्कूल जाके आए हैं, अब ये रिफ्रेशमेंट के लिए और अपने शौल पूरा करने के लिए ये देसी जो है गारे से और लकड़ी के दरवाजे बना के अपना घर बना रहे हैं। अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? इरमिता अफचिन क्या मुकम्मल मिनता अफसा जुल्फ़िकार ही ना जुल्कारन ही ना जर जर मिनता अफचिन जुल्फ़िकार मिनता अफचिन जुल्फ़िकार ही ना। तो ये माशाल्लाह छोटे नन्हे मुन्ने दो बच्चे हैं जो देखो इतनी मेहनत करके ये इन बोतलों में पानी ला के जो है ये गारे से कच्चा ब्लॉक बना के यहाँ पे अपना जो है मकान बना रहे हैं और ख़ुद मकान में बैठ के ये घर तामीर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर सलाहियतें हैं तो जो कि बाहर आ रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है। और इनकी देखिए दरवाज़े की हालत देखिए, बड़ा खूबसूरत सा दरवाज़ा बनाया हुआ है, हाथा की दरवाजे के जो है ये कब्ज़े भी बने हुए लगाए हुए हैं। ये देखिए ये दरवाज़े का जो कब्ज़ा जो है वो लगा हुआ है और बाकायदा ब्लॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह। जियो हल्दी के दो नन्हे मुन्ने बच्चों, जियो शाबाश। आपने ही जाके मुल्क को कौम को कल को मुस्तकबिल में संभालना है, तो इस तरह की सलाहियतें और इन सलाहियतों का इस्तेमाल होना चाहिए, सलाहियतें बाहर आनी चाहिए। इनके मैं खूब दाद देता हूँ और बाकी बच्चों से भी कहता हूँ कि इस तरह के बच्चों की हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया।